जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की शफला एकादशी का पावन व्रत 19 दिसंबर 2022 को सोमवार के दिन है और इसका पारण जो है अगले दिन जो है 20 दिसंबर को प्रातः 6:30 बजे से लेकर के 8:05 के अंदर करना उत्तम रहेगा। इस व्रत का वही नियम है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को धारण करते हैं, मतलब व्रत करते हैं। एक दिन पहले से लहसुन प्याज कुनरू और जो है मसूर की दाल इस सब का और मांस मक्खी तो कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो कम से कम 2-3 दिन पहले से ही छोड़ देना चाहिए। इस सब का वर्जन करते हुए रात्रि में भोजन ना करें तो उत्तम है एक दिन पहले। और एकादशी के दिन प्रातः हमें उठना चाहिए, आसपास कोई तीर्थ हो नदी हो वहां जाए नहीं, घर में ही सामान्य स्नान करने के बाद बाल्टी में 2 बूंद किसी भी पवित्र नदी का जल मिला करके स्नान कर ले, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, शेविंग है आफ्टर शेव है, शेविंग करना आफ्टर शेव लगाना इस सबसे हमें बचना चाहिए। ये उन्हीं के लिए कंपल्सरी रूप से कर सकते हैं जिनके लिए अति अनिवार्य है अपने ऑफिस में, क्योंकि जीविका का भी बड़ा महत्व होता है, तो भी उसके बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। बाकी नेल पॉलिश है लिपस्टिक है सबसे बिल्कुल बचना चाहिए। करना क्या चाहिए, भगवान विष्णु जी का जो है विशेष पूजन करना चाहिए, अपने घर के भगवान को नित्य से ज्यादा सजाना चाहिए, पंचामृत आदि से स्नान कराना चाहिए। दोपहर के समय अथवा संध्या वेला में संभव हो तो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए अथवा भजन कीर्तन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए और इस जो है सफला एकादशी के व्रत की कथा को श्रवण करना चाहिए। और अगले दिन प्रातः जो है पुनः भगवान जी की पूजा करके और पारण के समय में पारण करना चाहिए, उसके पहले जो है अन्न आदि दान करके। इस सफला एकादशी व्रत की कथा भी जो है युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो है युधिष्ठिर जी, जिस व्यक्ति ने अनजाने में किया जब उसका कल्याण हो गया, वो व्यक्ति कौन था, कुछ जगह लुम्बक नाम आता है कुछ जगह लुम्बक नाम आता है। प्राचीन काल में जो है चंपावती एक नगरी थी, उसके राजा जो है महिष्मती नाम के राजा थे, कई जगह महिष्मान भी लिखा हुआ मिलता है। तो उनके 5 संतान थे, जो बड़ा संतान था उसका नाम कई जगह लुम्बक लिख के आता है, कई जगह जो है लुम्बक लिख के आना चाहिए, और ऐसा भी है कि वो लंपट रूप में था, मतलब मनमाना काम करना, माता पिता के जो राजा के रूप में थे उनकी आज्ञा का अवहेलना करना, मनमाना आचरण करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, जितना भी दुष्कर्म है उसमें लिप्त रहना। एक बार कहीं जो है चोरी करते हुए पकड़ा तो कई बार गया था, पर राजा का पुत्र इस डर से कोई जो है राजा के सामने उपस्थित नहीं करता था, पर संयोग होता गया उसका पाप बढ़ता गया, राजा के सामने उपस्थित किया गया कि महाराज आपके बच्चे के कारण जो है पूरी प्रजा परेशान है। राजा बहुत दुखित हुए और बेटे को जो है प्रजा का निकाला दे दिया गया कि आप जो है देश के बाहर चले जाओ, मतलब देश निकाला कर दिया गया प्रजा के हित में। तो वो देश की सीमा से जब बाहर गया और जाकर के जो है जंगल में रहने लगा, एक पीपल का वृक्ष था उसी के नीचे वो रहता था। तो रहते 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 एक बार क्या हुआ, बहुत भूख जो है, ये पौष महीना ही आप जानते हैं कैसी ठंडक होती है और भी जंगल में कैसी ठंडक लगी होगी, तो वहां पर जो है 10वीं तिथि को इतनी ठंड पड़ी कि वो कुछ खा पी नहीं पाया। एकादशी को पता नहीं क्या किसी जन्म का पूर्व जन्म का क्या हुआ, पुण्य उसका उदय हुआ, कुछ जो है पड़े हुए फलों को देखा और लाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान जो है कह सकते हैं ब्रह्मदेव आपको अर्पण है, ऐसा विचार करने की भावना से भगवान नारायण को अर्पण किया और उसके पश्चात जो है उस पुण्य के फलस्वरूप उसकी बुद्धि जागृत हो गई। उस दिन पूर्ण रूप से वैसा ही रहा और भगवान इतने प्रसन्न हो गए उसके ऊपर में कि भाई चलो जिस भी रूप में तुमने सत्कर्म किया है, और उसको जो है बुद्धि निर्मल हो गई और राजपाट संतान का आशीर्वाद मिला। और बाद में फिर वो अपने राजमहल में आता है, क्षमा मांगता है, प्रजा जय जय कार्य करती है और बाद में फिर वही राजा बन जाता है, पुत्रवान होता है, बहुत ही धर्मात्मा राजा सिद्ध होता है इस एकादशी सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से। तो निश्चित ही हमारा आपका अगर हम मन लगा करके अथवा हम भी थोड़ा मन लगा के थोड़ा नहीं लगा के करेंगे तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। इस एकादशी का व्रत
हर एकादशी की भांत श्रद्धा विश्वास पूर्वक अवश्य कीजिए। भगवान श्रीमन नारायण एकादशी महारानी की कृपा से आपके जीवन में भी हर प्रकार से सफलता अवश्य मिलेगी। और ये जो हम लोग लौकिक सफलता देखते हैं ये भी सफलता है, पर वस्तुतः देखा जाए तो सबसे बड़ी सफलता वही है कि भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए और फिर धीरे धीरे भगवान का मन तो हमारे ऊपर आएगा ही। इन्हीं कामनाओं के साथ विदा लेता हूँ, पुनः मिलूंगा। जय श्री राम।